पनवेल के उरीन मॉल के बाजू के पेट्रोल पंप पे जो गाजर बांटने का कार्यक्रम हुआ है, उसमें आज मोदी सरकार का निषेध करने का प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने आने वाले पिछले 4 साल में 20 से 25 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की, और अभी पिछले चार दिन पहले 2.5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट और 2.5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया, मतलब ये गाजर देने का काम जनता को मोदी सरकार ने किया है। तो ये सब जो काम किया है, इसका निषेध हम पहले युवक कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस की ओर से कर रहे हैं। हमें आने पिछले 4 साल में गैस की कीमत कांग्रेस के समय 400 रुपये थी, आज जाके 900 रुपये पहुँची है। पेट्रोल डीजल की कीमत 60 रुपये थी, जबकि क्रूड ऑयल के बैरल की कीमत थी 150 रुपये पर $150 पर बैरल, और अभी क्रूड ऑयल की कीमत है 40 से 50 रुपये पर डॉलर बैरल। लेकिन ये सब होते वक्त भी आज पेट्रोल डीजल की कीमत आकाश को भेजी जा रही है, समझी जा रही है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो बीचने का पैसा निकल रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा ये मोदी सरकार के गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर भी लोगों को उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में आज जो पीछे बैनर लगा है, वो बैनर के पीछे 9000 करोड़ रुपया RTI में निकाला है, 9000 करोड़ रुपया वेस्ट किया है। तो ये वेस्ट करने का पैसा अगर लोगों के कुछ काम में लग जाता या लोगों के डेवलपमेंट में लग जाता तो बहुत बढ़िया काम होता, लेकिन मोदी सरकार को उसका कुछ लेना देना नहीं है। मोदी सरकार अपना होल्डिंग कैसा चमकेगा, अपना चेहरा कैसा चमकेगा, काम कुछ नहीं करेंगे, काम जीरो करेंगे। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ हम कुछ अलग दिखने चाहते हैं, हमारा कुछ अलग प्रोपोगंडा है, लेकिन कुछ प्रोपोगंडा नहीं है, काम जीरो है और हीरो बनने का काम चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस इसको मुँह तोड़ जवाब देगी।